चलिए आज का क्वेश्चन जानते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक आपका जो है फाइव साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जिसका ये साइड जो है थ्री है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। तो आपको इस साइड का लेंथ क्या होगा वो बताना है, मतलब ए बी क्या होगा वो बताना है, एक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट जितने भी लोग सोल्व करते हैं ना, गलत ही जवाब देते हैं, ओके। अब वो कैसे सोल्व करते हैं, उन्हें लगता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो एक लेवल पे है, और वो क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट सी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये थ्री है तो इसको भी थ्री ले लेते हैं, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाकर इसको निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ पे लगाइएगा तो क्या आएगा, आपका बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, क्या मिलेगा, पच्चीस में से नौ घटेगा तो सोलह, डेट इज नथिंग बट फोर, ठीक है। तो ये मिल गया उन्हें फोर। अब वो क्या करते हैं कि यहां से ईसी निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये चार है ये तीन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। अब ये पांच है तो वो उन्हें लगता है कि ये भी पांच होगा, तो ये भी क्या है, क्या वो कितना हो जाएगा, पांच प्लस चार नौ हो जाएगा। अब एग्जामिनर भी है ना, वो बहुत चालाक होता है, तो उन लोग क्या करेगा ना, आपको पहला ऑप्शन ही नौ दे देगा, आप फटाफट देखिएगा पाँच और चार नौ, चलो मारो आगे बढ़ो, बट ये आंसर एक्चुअली गलत है। ये आंसर जो है बिल्कुल गलत है, नौ आंसर होगा ही नहीं। देखिए आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, मिस्टेक यहाँ पे समझने में आप कर रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो एक लेवल में है, नहीं बिल्कुल गलत है ये। अब देखिए ये थ्री यूनिट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी थ्री यूनिट ही होगा, थ्री यूनिट में ही होगा, ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। फिर आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर मेथड के थ्रू जाना होगा, ना कि रॉन्ग अजम्पशन करके, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये सब अभी फिलहाल ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन जो हमें निकालना है उसमें हमको क्या करना है कि डायरेक्ट ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, राइट, इसका मतलब अगर हम ई से बी को ज्वाइन कर दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और ए ही हमको पता है, ये साइड पता है। अगर हम ई बी निकाल लें तो अगर हम ई बी निकाल लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा करके ए बी निकाल लेंगे, बट ई बी निकालना ही यहाँ पे मेन थिंग है, ठीक है। अब देखिए ई बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अलग बनाता हूँ। अब ये कुछ इस तरीके का है, देखिए 90-90 है ना, तो मैं सीधा बनाता हूँ, ये रहा आपका, ये हो गया थ्री, ये हो गया फाइव, और ये ज्वाइन कर देता हूँ आपको, तो ये बन गया आपका ई डी सी बी। हमें ई बी निकालने के लिए ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, तभी जाकर ई बी निकलेगा। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है पता नहीं आपको ये तरीका पता है कि नहीं है। अब देखिए ये जो है ये 90 डिग्री है यहाँ पे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइड को यहाँ पे शिफ्ट करके और इस साइड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने का है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस तरीके का ट्रायंगल है जहाँ पे आपको ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, और आपको इस साइड का लेंथ निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके इस साइड को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये एक सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा,
देखिए कैसे करना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सी बी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और डी ई को नीचे ले आएंगे हम लोग, तो ये यहाँ आ जाएगा, डी भी सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, और ये हो गया आपका ई, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब इसको सी डी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया आपका सी डी, मतलब ये जो सी और डी और बी जो है, अभी नेमिंग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे नेमिंग जैसे तैसे हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझिए कि इस तरीके से भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है ना, तो ये है आपका 4। अब ई बी जो होगा ये आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका ई, ये हो गया बी, और इसको आप सी ले लीजिए, सी पॉइंट पे आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 + 3 = 8 हो गया, ये 4 है और ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर ई भी निकाल सकते हैं। चलिए लगाते हैं, तो ई भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 8² + 6 = 4², तो कितना मिलेगा हमें, अंडर रूट ऑफ 64 + 16 विच इज़ नथिंग बट रूट ऑफ 80। तो ई बी कितना मिल गया हमें, रूट 80, मतलब ये ई बी जो है वो रूट 80 के बराबर है। अब ये रूट 80 है, हाइपोटेनस जो है ए ई बी ट्रायंगल का रूट 80 है, ये साइड 3 है, तो हम ये निकाल सकते हैं ना, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रूट 80 होल स्क्वायर, रूट 80 होल स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो बेस स्क्वायर डेट इज 3² क्या मिलेगा हमें, रूट 80 होल स्क्वायर इज 80 माइनस 3² इज 9, सो अंडर रूट ऑफ 71 यूनिट। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 71 यूनिट, ये है करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो देखिए ऐसा बहुत सारा सवाल दिया जाता है जानबूझकर एग्जाम्स में, ताकि देखिए एग्जाम्स आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होता है ना, वो सिलेक्शन के लिए कम रिजेक्शन के लिए ज़्यादा होता है, मतलब समझे, मतलब देखिए लाखों लाखों स्टूडेंट्स 10 लाख 15 लाख 20 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, और उसमें से सीट्स कितना होता है, 1000 2000 3000 5000 10000 मैक्सिमम, 1% भी सीट नहीं होता है। अब 1% भी सीट नहीं होता, मतलब बाकी 99% को तो उसे छाटना है, तो बाकी 99% को कैसे छाटेगा, ये उन्हें छाटने के लिए, स्टूडेंट्स को छाटने के लिए इस तरीके का सवाल बनाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स जानबूझकर गलती करें, और जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो सही मारेंगे, और सिर्फ और ऐसे क्वेश्चंस के कारण ही उनका एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं, आपने मेहनत नहीं किया है, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक आपको कहाँ से कहाँ लेकर आ सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी वीडियोज हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से देखिए, और दिमाग में बना कर रखिए कि अगर इस तरीके का सवाल आता है तो हमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप इस तरीके के क्वेश्चंस और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को समझ पाएँ, देख पाएँ और सोल्व कर पाएँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जय हिंद।